सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले एपिसोड के अंदर, जहां पर मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ गाइस गैस स्टेशन सिमुलेटर को। और आज के इस वाले एपिसोड में तुम लोगों को पता होगा, लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों को चैलेंज मिल चुका था गैस स्टेशन अपग्रेड करने के लिए। जो चैलेंज आता है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। अभी हम लोग उसको ही आगे बढ़ाने वाले हैं। और बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ वगैरह आ रहा है तो माफ़ करना मेरे को, क्योंकि रोड साइड में मेरा घर है, हर बार मैं बोलता रहता हूँ ये बात, और उसी के लिए दिक्कत है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं गेम को। सो फाइनली हम गेम के अंदर आ चुके हैं और तुम नाइट हो रहा है अभी फ़िलहाल, और वो वाला चैलेंज मैं फुल्ली कंप्लीट कर चुका हूँ। फिलहाल मेरे पास पैसा तुम लोग देख कर पा रहे हो कितना है, और बहुत सारा कस्टमर वेटिंग पे भी है और गैरेज पे भी बहुत, मतलब एक कस्टमर वेट कर रहा है। तो गैरेज को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि गैरेज का काम आसानी होता है और मेरे हिसाब से ओ भाई बहुत ज़्यादा काम है भाई गैरेज का। भाई वर्कर चाहिए भाई, जितना हो सके उतना ज़्यादा वर्कर चाहिए। अभी हम लोग अपडेट करेंगे हमारे गैस स्टेशन को लेवल 4 में सुबह होने दो, उसके बाद ठीक है ना, और देखेंगे कि नया क्या ओपन होने वाला है। शायद से कार वॉश मिल जाएगा हम लोगों को जल्दी से जल्दी। और फिलहाल मेरे को एक सेकेंड गाइस, मैं इनका टायर चेंज कर देता हूँ पहले। तो उधर कस्टमर भरे पड़े हैं, फ्यूल पे भी एक कस्टमर आ गया भाई, कस्टमर ही कस्टमर भाई, हालत ख़राब हो जा रहा है मेरा। क्योंकि जो मेरा वर्कर है वो सुबह का काम करता है, मतलब 8 बजे से रात 8 बजे से, मतलब दिन का 8 बजे से रात के 8 बजे तक, मतलब 12 घंटे काम कर रहता है, ठीक है ना, 12 घंटे काम करता ही है दिन के 8 बजे से रात के 8 बजे तक। उसके बाद इसका ये चला जाता है छुट्टी पे, ठीक है ना। तो हमें एक और मतलब वर्कर चाहिए, जो कि मतलब हमारा उसका जगह पे सप्लीमेंटरी पे जगह पे आ सके, ठीक है ना। लेकिन परफेक्ट, ओ इसको परफेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत होता है भाई, समझ गया मैं तो समझ गया। और सुबह हो गया है फाइनली, और वो बंदा अभी काम में आने वाला है थोड़ी देर बाद, क्योंकि कैश रजिस्टर हैंडल करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है भाई, मेरे को दिमाग खराब होता है भाई। कैश रजिस्टर बच गया भाई मेरे, क्योंकि मेरे को ध्यान देना पड़ रहा है, मतलब जो ये है लेवल है उसमें भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे को ये इसको अच्छे से बिल्डअप करना है। ये देख पा रहे हो ना, ये अगर जितना पॉपुलैरिटी इनक्रीज होगा उतना ज़्यादा इन ये पॉपुलैरिटी में होगा। अभी वो बंदा आएगा तो दिक्कत नहीं, वो अपना काम कर लेगा खुद से ही जैसे ही टाइम हो जाएगा, और टाइम होने ही वाला है थोड़ी देर में। मैं इन लोगों को पूरा रात दारा खड़ा करके रखा हूँ भाई, मतलब ये लोग कंटिन्यूसली खड़े ही थे भाई, मैं दूसरा काम करे जा रहा था, इधर उधर का काम कर रहा था, पता है भाई मैं इनको क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये लोगों को मेरे को साफ करना पड़ेगा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा भाई, फिलहाल इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा था। और जैसे कि तुम देख पा रहे हो बहुत सारा कस्टमर आके रखा है, और मेरे पे ढेर सारा चीज़ें हैं, और ये आते ही अगर वॉश कर देता है अपना अच्छा होगा भाई, आते ही क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दियो भाई, क्लीनिंग पे लग चुका है जैसे कि तुम देख पा रहे हो भाई, मैं अभी कर रहा हूँ वो क्लीनिंग पे जा रहा है भाई, क्लीन कर दे मैं देख ले रहा हूँ इसको, क्योंकि अगर क्लीनिंग में दिक्कत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा भाई। आगे चलो ओके, क्लीनिंग वो खुद कर लेगा, 2 कस्टमर है शायद से, देख लेंगे, 2 कस्टमर है ना, हाँ 2 ही कस्टमर है। इसका काम होने के बाद मेरे को एक और मतलब वर्कर चाहिए फिलहाल मेरे को, भी मेरे को मिनिमम 3 वर्कर अभी फिलहाल। अब डेनिस के बच्चे भाई, दिमाग ऐसे ही चल नहीं रहा है, ऊपर से ये दिक्कत करता है, कहाँ है वे, कहाँ है ये बदमाश बच्चे भाई, क्या लैग हुआ था भाई, बदमाश बच्चा आ चुका है, इसकी ऐसी तैसी भाई, कहाँ रुकता है ये देखना पड़ेगा, कहाँ जाएगा ये अभी, मैं तो तेरे को मारूंगा, इसकी ऐसी तैसी। ये इसका घर है, ये एकदम बगल पे ही रहता है यार, बदमाशी करने के लिए हर टाइम आ जाता है भाई डेनिस के बच्चे, तेरी ऐसी तैसी भाई। सो चलो गैस स्टेशन पे वो काम कर रहा है बिंदास, क्लीनिंग वगैरह का काम कर देगा वो। इधर हालत ख़राब होकर रखा है, क्योंकि इधर का भाई हालत ख़राब होकर रखा है, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका क्लीनिंग मैं खड़ी नहीं पा रहा हूँ। सो
क्योंकि एक बार मेरे को गैस स्टेशन पे जाना पड़ रहा है, एक बार ये का करना पड़ रहा है भाई, हालत ख़राब हो जा रहा है भाई फिलहाल के लिए। दोनों जगहों पे एक साथ काम करने में दिक्कत होता है भाई। तीन तीन का पे 8 सही है, इस पर 6 टोटल वर्कर मिलता है, ठीक है ना भाई। तो 6 वर्कर मतलब पकड़ लो कि टोटल मिले, कुल मिले के उधर एक और टायर है ना, मैं वही सोचू 3 टायर देखा था, मैं 2 फिक्स किया सिर्फ। अबे लग जा। तो तीन तीन का कंपेरिजन सही है, क्योंकि 6 वर्क टोटल कर सकते हैं ये लोग। और जैसे ही कार वॉश लगाएंगे वो अपग्रेड करने के बाद तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो तो बढ़िया चीज़ है भाई, उसमें तो फ्री का पैसा मिलता रहेगा हमें और क्या है। तो फिलहाल मैं काम कर लेता हूँ कि तुरंत से तुरंत इनको अभी एक ये लगा देता हूँ, कहाँ पर है इस साइड है ना, ब्रेक फोक के रखा है शीशा, तो इनका शीशा लगाते हैं। फ्यूल में कस्टमर आकर रखा है भाई, ये बंदा कर क्या रहा है भाई, बहुत सारा कस्टमर से कस्टमर जा ही नहीं रहा है। इसका प्राइमरी काम ना मेरे को चेंज करना पड़ेगा, प्राइमरी काम अगर चेंज कर देंगे हम लोग तो ये वॉशिंग भी कर पाएगा। और देखते हैं कि इधर कौन सा काम चेंज करना है, जितना हो सकता है उतना चेंज कर देंगे हम लोग जल्दी जल्दी। गैरेज रजिस्टर पे कोई नहीं है फिलहाल, चलो एक टास्क है जो कि सीट में बैठना है तो जाके बैठ जाता है। अभी शायद से हमारे पास एक और ख़तरनाक वाला चीज़ ओपन होने वाला है, क्या होने वाला है मैं देखा बताता हूँ तुम लोग, एयरपोर्ट वाला सीन। वे 12 घंटे चला गया, ओ भाई सीट ऑन ब्रेक ट्रिक यार, ओके एयरपोर्ट का सीन दिखा रहा है मेरे को जितना याद है वो। ओके मेडे मेडे मेडे, दिस इज बॉक्स 49, आई बीन हिट, आई रिक्वायर एन इमरजेंसी लैंडिंग परमिट, इज एनीवन देयर फॉर गॉड्स सेक, मेडे मेडे, आ डैम इट, दिस क्रैप डजंट वर्क, होल्ड ऑन स्वीटी, वी विल गेट आउट ऑफ दिस अलाइव, वी आर इन इनविजिबल। सो फाइनली प्लेन क्रैश हो चुका है। सो मेरे को जितना पता है ये DLC था हमारा एयरपोर्ट सिमुलेटर का, तो एयरपोर्ट का था, तो ये रखते हैं हम, उठ जाते हैं क्योंकि रीच आउट द क्रैश साइट। ओके जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, क्रैश साइट में हमें जाना है। और साथ ही साथ एक और दिक्कत होने वाला है गाइस, वो उस साइट को DLC को कंप्लीट करने के चक्कर में हमारा लगने वाला है अभी। ओ जल्दी जल्दी करो, ओके बाय बाय। उसको मैं अभी क्या करता हूँ, गैरेज वर्क इसको ये क्लीनिंग कर रहा है ना, कहाँ जा रहा है तू, रुक जा इसको चेंज करने वाला हूँ, कार रिपेयर, इसको बोलता हूँ कि कार रिपेयर तेरा प्राइमरी जॉब होगा, सेकेंड हैंडल द रजिस्टर होगा, क्लीनिंग गैस स्टेशन मैं कर लूँगा, कोई नहीं फ्यूल अप मैं कर लूँगा, ठीक है इसको इसको कर देता है, चले जा दौड़ के चले जा, प्राइमरी जॉब तेरा चेंज कर दिया हूँ मैंने, रजिस्टर वाला बाद में संभाल लियो, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला जगह ही हमारा फ्यूल मतलब ये रजिस्ट्री है। और मैं तुरंत से तुरंत इनको ये कर देता हूँ ना, साफ कर देता हूँ गाइस, क्या बोलते हो, इसके बाद चलते हैं ये पे, और उधर कस्टमर आके रखेगा तो ये दौड़ते हुए चला जाएगा, यही सही है, कार रिपेयर भी हो जाएगा प्राइमरी पे, जैसे ही काम आएगा उधर वो छोड़ के इधर आ जाएगा, इसको कंप्लीट करके आएगा, एक जिसको पकड़ेगा उसको कंप्लीट करके आएगा। चलो एयरपोर्ट के साइड चलते हैं और क्रैश साइट को विजिट करके आते हैं। थोड़ा सा $3,000 हो चुका है फाइनली, और इसको अपग्रेड करना है, धीरे धीरे खोलना भी है, सब कुछ करना है हमको। सो लेट्स गो, चल कर देख के आते हैं। ये एयरपोर्ट DLC था, सो एयरपोर्ट का सीन स्टार्ट हो चुका है हमारा, फाइनली ये क्रैश होके क्लोज ही आया है। Hey you, come over here. Okay. Don't you see I need some help? Okay. I'm Joe Kowalski, US Air Force Second Lieutenant.
And who are you, Private? I know this place, but I don't know you. What are you? A mute? Jesus Christ! This is gonna be a nightmare. Is this station yours? What a mess you've got here. Time to take care of this old airstrip. After that, I might introduce you to some business. But first, show me what you're made of. Go and check that barn. I'm sure old Toei is still there, and I'll need help from the both of you. Now, march on! Yes, sorry. Good luck. Okay, तो ये इसका नाम है जो, ठीक है ना, जो कुछ बोला है, मतलब जो का सरनेम कुछ था, मैं याद नहीं कर पाया भाई, बहुत स्पीड में बोला, लेकिन वो बोला है कि देखो जाओ बाण के अंदर, तुमको इस तुम्हारा गैस स्टेशन ये है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखा करो और ये सारे चीज़ों को ले लेके अभी मेरे को फेंकना पड़ेगा। फ्यूल पे स्टेशन पे बंदे आकर रखा है, तो मैं फर्स्ट ट्रेवल कर सकता हूँ इधर से मेरे को जितना। अनलॉक द बान शॉर्टकट। अब इसकी ऐसी तैसी भाई, एट फर्स्ट बान मेरे को जल्दी जल्दी बान टेक भाई, अभी भी नहीं जा पाऊँगा क्या? क्लीन द एरिया, जल्दी क्लीन करो भाई। हाँ ये हमारा कार तो है इधर, और स्पाइडर वेव, स्पाइडर वेव और कहाँ पर है वो बाहर के साइड एक और है, यस ये रहा। तो जल्दी जल्दी इनको पकड़ते हैं, और जितना भी सामान है कूड़ा कचरा है उनको मेरे को फेंकना है इधर से। भाई बहुत कूड़ा कचरा है, इसको फेंकते फेंकते तो मेरा हालत ख़राब होने वाला है भाई, हालत खराब हो जाएगा भाई इनको फेंकते फेंकते। चलो ये तो गया भाई, कस्टमर भाग जाएगा भाई। दो मेल आकर रखा है, तो पहले तो चलते हैं कस्टमर को। भाई फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकते, फास्ट ट्रेवल करते तो मज़ा आ जाता भाई। अभी कस्टमर को पहले दे देते हैं, नहीं तो भाग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा भाई। मेरे हिसाब से मेरे को गैस स्टेशन क्लोज, मतलब ये क्लोज कर देना चाहिए मेरे को। फ्यूल भी ख़त्म है हमारे पास, तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ एक काम, मैनेज भी चलते हैं और फ्यूल को बंद कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मेरे को दूसरा सामान भी चेक करना है, तो दूसरा काम भी मेरे को चेक करना है, और क्लीनिंग पे जितना भी काम था वह एक बार आके हम लोग करके चले जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। फेस स्कैन वगैरह सब कुछ कर देते हैं गाइस, बहुत सारा काम है भाई इस गेम के अंदर। और जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, सारे आइटम्स को मैं धीरे धीरे करके फेंक रहा हूँ, और वॉश फुल्ली कंप्लीट है, और गैरेज के अंदर ये रखा है, तो ये देखेंगे कि ये क्या काम करता है। ओ हाँ चला गया आउटसाइड, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो गैस स्टेशन रिपेयरिंग में देख लेते, सामान है ना कुछ। ओ भाई इसमें तो चीज ना लग जाए भाई। चलो ये दो साइड तो देख रहा है, कोई बात नहीं है, नहीं लगेगा तो मैं एयरपोर्ट ऑफ कर दूँगा फिलहाल एयरपोर्ट को लिए। भाई साहब इसको क्लीन करने में हालत ख़राब होने वाला है मेरा, और भी इधर से फेंको सारे चीज़ें, नहीं तो मैं गाड़ी कैसे बाहर निकलूँगा भाई। क्या क्या चल रहा है? ओ 1620 मीटर, बहुत सारा आइटम है 1320 मीटर। जल्दी जल्दी फेंकना पड़ेगा गाइस, जल्दी जल्दी फेंकना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिलहाल के लिए। मैं इधर कुछ और इसको इंटरेक्ट करना बोला था, ठीक है चलो इसको इंटरेक्ट करके लेके चलते हैं। बाहर आ चुके हैं हम लोग, और इसको लेके भाग लेते हैं जल्दी जल्दी करके। जॉय जूई का प्लेन को हमें टेक ऑफ मतलब लेके आना है, तो जूई का। तो फाइनली जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो कि मैं इसको, मेरे को पता है भाई मेरे को, मेरे को इसको एक काम करना मैं भूल गया हूँ। तो फाइनली शायद से इसका काम हो चुका है। अबे नहीं हुआ भाई, भाई अटैच हो जा, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई। तो फाइनली गाइस इसको देखो मैं कहाँ चढ़वा चुका हूँ भाई, बहुत ऊपर बहुत दिक्कत के बाद। और अभी इसको लेके चलते हैं इन झाड़ियों के बीच से, और इसको देखो कहाँ पकड़ के रखूँ मैं,
तो इसको लेके चलते हैं। बहुत ऊंचाई पे मैं पकड़ लिया इसको, तो ये अच्छी बात है कि हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फ्यूल स्टेटस लोगों को दिक्कत नहीं है, मैसेंजर मेल आके रखा है। दिमाग खराब भाई तेरा, थ्री मेल्स में तुम समझ रहे हो। प्लेन ड्रॉप हेयर, ओके ओके समझ गया भाई। ब्रेक लग जा, दिमाग तू खराब कर रहा है मेरा। अब ओके ये हमें प्लेन अभी रिपेयर करना सिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पहले से आता है प्लेन रिपेयरिंग। ये क्या कुछ भी बोल रहा है, बोला स्नाइपर हमें देख रहा है भाई। क्या स्नाइपर क्या देखेगा भाई, स्नाइपर देख के हमें क्या करेगा। तो फाइनली गाइस जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, अभी हमें एक डक टेप मिला है जिसको यूज़ करके हम इसका होल्स वगैरह मतलब जो भी टूट चुका है उसको फिक्स करेंगे। तो इनको मैं भाई लग जा, फिक्स हो गया एक, इसका भी फिक्स कर देते हैं। अबे इतना दिक्कत क्यों आ रहा है भाई, फिक्स हो जा। यस ये भी फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये नहीं फिक्स हुआ है, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, अभी इसकी बारी है। ओके गाइस फिलहाल हमें ट्रैश के भाई हालत ख़राब हो जाएगा, रिपेयरिंग का काम कर रहा है टेक्सटिंग भाई हालत ख़राब भाई। ऊपर से मेरे को इतना दूर आना पड़ा क्योंकि गैस स्टेशन का हालत देख पा रहे हो बहुत गंदा हो चुका है, और मेरे हिसाब से थोड़ा देर के लिए क्लोज कर देना चाहिए क्योंकि बहुत बुरा हालत होकर रखा है मेरा। और फिलहाल मेरे को अभी क्या बोल रहा है ये चेक कर लेते हैं। मेल आके रखा है 4 और यूजिंग द पीसी बाय द ओपन बाय द एयरपोर्ट यूजिंग द पीसी। ओके हम एयरपोर्ट बाई करने वाले हैं, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। लेकिन अपग्रेड्स में चलते हैं, फिलहाल मैं बाई नहीं करूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट नाइट हो चुका है। तो नाइट में पहले तो मैं चलवा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए गैस स्टेशन को, उसके बाद तुम लोगों से मिलता हूँ, और उसके बाद हम लोग सुबह होते ही हम लोग मतलब ये बाई कर लेंगे, मतलब जो क्या बोलते उसे हमारा दे दे जो कि हमारा क्या बोलते हैं उसे एयरपोर्ट है ना, उसको हम लोग बाई कर लेंगे। तो हमारा एयरपोर्ट आ जाएगा हमारे पास, मतलब एक कॉम्प्लीमेंटरी अपडेट बोल सकते हो जो कि बिना अपडेट किए ही मिल जाएगा हमें। ऑलरेडी हमारा अपडेट भी आकर रखा है, मतलब पैसा जो स्पीड में फूटने वाला है भाई, मैं क्या ही बताऊँ, पैसा एकदम अनधोरत की तरह फूटने वाला है। और मेरे को वर्कर हायर करना है, क्यों वर्कर हायर करना है मैं बताता हूँ। जितना वर्कर काम करेगा उतना हमारा प्रॉफिट है, मतलब नॉन स्टॉप हर जगह पे काम चलेगा, हर जगह पे कस्टमर एम्प्टी रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा उतनी ज़्यादा। तो एक प्रोडक्ट उड़ के भाग गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो स्कैन हो गया, वो उसके पास चला गया है ऑटोमेटिकली, सोच लो मतलब उसके नीर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ये काम करता हूँ भाई, सारे को साफ कर देता हूँ सुबह हो जाने तो, उसके बाद मेरे साथ मिलता है। सो गाइस फाइनली सुबह हो चुका है और बहुत टाइम हो गया है, 10 बज चुका है ऑलरेडी, और जो हमारा गैस स्टेशन है वो अभी गैस वाला सेक्शन ऑफ करके रखा हूँ मैंने। और अभी हमारा जो मेन काम होने वाला है वो होने वाला है कि हमें एयरपोर्ट DLC मतलब एयरपोर्ट का PC को यूज़ करते हुए ये को ऑर्डर देना है। तो मेरे हिसाब से ये तो नहीं आना चाहिए, लेकिन ये सारे चीज़ों को एक एक करके मेरे को ले जा के इधर फेंकना है भाई। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है फिलहाल, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है भाई अभी तो। ये क्या हरकत है भाई, एक एक करके लो फेंको यार, क्या हरकत है ये सब भाई, पता नहीं भाई अभी क्या, अभी एग्जाम करके ये सारे चीज़ों को फेंकना पड़ेगा मेरे को। ये रैग वगैरह तो नहीं फेंकना है क्योंकि ये रैग वगैरह अभी काम का है, तो ये जितना भी कूड़ा कचरा है इनको सबको फेंकना पड़ेगा भाई, बहुत दिक्कत वाली काम है, बहुत सारे दिक्कत है भाई। कूड़ा जितना फेंकेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है। इसमें टल स्कोर मिल रहा है कुछ, वो लॉन्ग डिस्टेंस स्कोर वो नहीं चाहिए मेरे को। ये सारे जितना भी चीज़ें हैं ये सारे रहेगा, इधर का जितना भी कूड़ा कचरा ये सारा फेंक दो,
भाई जितना कूड़ा हम फेंक पाएंगे उतना हमारा प्रॉफिट है भाई, मतलब उतना अच्छा होगा हमारा ये स्टेशन मतलब एयरपोर्ट, जो कि अभी बिल्कुल एयरपोर्ट नहीं लग रहा है मेरे को, तो कोई भंगार लग रहा है ऐसा। सो फाइनली गाइस, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, मैं बहुत सारा आइटम्स को ऑलरेडी इधर से उठा के फेंक चुका हूँ, क्योंकि भाई बिना इसको उठा के फेंकने का कोई मतलब नहीं बनता। सो अभी आ जाते हैं अपग्रेड में, एयरपोर्ट अपग्रेड, गैस स्टेशन अपग्रेड आ चुका है जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो। एयरपोर्ट अपग्रेड में चलना है, जो हमारा फर्स्ट अपडेट है वो है ये वाला अपडेट। तो फाइनली ये अपडेट कंप्लीट हो चुका है हमारे पास से। सो फाइनली गाइज, हमारे पास एक नया डिवाइस आ चुका है जो कि है ये, लेकिन फिलहाल काम नहीं कर रहा है। अभी टेक ऑफ करना है, नॉर्मली टेक ऑफ करवा देते हैं इसको। अबे देखने तो दो। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा इस साइड आ जाओ अंकेल। ये इधर, अभी इधर 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 इधर, यस यस यस, आ जाओ सीधा हो सीधा हो, बिल्कुल सीधा हो, सीधा हो सीधा हो सीधा हो। तो फाइनली इसको हमने उड़ा दिया है एक ही टेक पे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला एक्सपीरियंस हमारे पास था पहले से ही, तो इसको करने में मेरे को दिक्कत नहीं आया। लेकिन इधर है बहुत सारा चीज़ें जो कि मेरे को क्लियर अप करना पड़ेगा भाई, मेरे को रोना आ रहा है भाई। क्लीनिंग द गैरेज इनसाइड द बार्न, ओ माय गॉड, इसको क्लीन अप करना पड़ेगा ये सारे आइटम्स को भाई, हालत ख़राब होने वाला है भाई। जितना हो सकता है उतना मेरे को चीज़ों को क्लीन अप करना पड़ेगा, और बहुत सारे आइटम्स इधर उधर बिखरा पड़ा है भाई, प्लीज़ जल्दी जल्दी क्लीन करना पड़ेगा बांध को भाई। बहुत घटिया काम दिया है इन लोगों ने। मैंने गार्बेज कलेक्शन को बुलाया था क्या, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, लेकिन बहुत ही बुरा काम हो रहा है। मैं इधर वेट कर लेता हूँ, और इनको क्लीन करने में मेरा हालत ख़राब होने वाला है भाई। क्या है ये सब, ओ इसको क्लीन करना है भाई, ठीक है बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये सारे आइटम्स को क्लीन करना पड़ेगा। ओके, लास्ट वन कहाँ है, मेरे को दिख नहीं रहा, लास्ट एंड फाइनल वन कहाँ पर है। ओ वो दिख गया दिख गया दिख गया, अबे कहाँ से एक्सेस होगा इसको, ये रहा। तो क्लीन हो चुका है फिलहाल बाय द फिक्स द पीस। ओके देखते कुछ नया अपडेट आके रखा होगा शायद से एयरपोर्ट में। हाँ ये वाला सेकेंडरी बर्न, ओके सारा आइटम्स क्लीन हो चुका है फिलहाल, इसको हमें क्लीन अप करना है, जिससे कि भाई हालत ख़राब होने वाला है। ये क्या है, ये कचरा वगैरह क्या है, ये सारे कैसे क्लीन होगा ये सारी चीज़ें। और भाई ट्रैश बैग्स फुल होकर रखा है भाई, मेरे को उधर भी जाना है, मेरे को इधर से फास्ट मैं जा सकता हूँ क्या, इधर से आ गया वो, ये हाँ भाई ये सही चीज़ हो गया फिर तो, ट्रैश बैग फुल होकर, अब ट्रैश बैग फुल होकर रखा है भाई, क्लीन भी करना है, पैसा भी बनाना है भाई। भाई एयरपोर्ट डीएलसी की इसकी ऐसी तैसी, डार्क टेप परचेस करना है। ओके मेरे को अभी देखो, जो भी मैं क्लीनिंग बा जितना भी काम वगैरह रहेगा ना, वो सारा मैं क्या करूँगा, ऑफलाइन करूँगा गाइज, क्योंकि नहीं तो भाई हालत ख़राब हो जाने वाला है। जितना भी क्लीनिंग का काम रहेगा, अभी डार्क टेप परचेस करने के लिए बोल रहा है, तो डार्क टेप हम लोग परचेस कर लेंगे, क्या है उसमें, 5-6 डक टेप परचेस करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो बाद में करते हैं फिलहाल। अबे हट जा, ओके डक टेप परचेस करने बोला है तो उसमें जाएंगे। फ्यूल स्टेटस लो, इसको हटाओ पहले तो, ये बहुत दिक्कत कर रहा है। फ्यूल स्टेटस लो करके करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है, फ्यूल की स्टेटस की ऐसी तैसी भाई। भाई तो आ जा ऑर्डर लेके। ओ नहीं नहीं नहीं, फ्यूल अभी नहीं मंगाते क्योंकि मैं अपडेट करने वाला हूँ, मैं इसीलिए नहीं मंगा रहा था, मैं भूल गया था, क्योंकि एक बारी में सारा मंगा लूँगा। तो फिर डार्क टेप ऑर्डर दे देते हैं गाइस, क्या बोलते हो, 6-12 ऑर्डर दे देते हैं, कितना है, $30 का है तो 10, 6, 12 दे देते हैं, 5-6 पीस ऑर्डर देना है या तो 12 पीस, 25 हाँ दे दो, बस आ चुका है भाई, लग गया लंका मेरा भाई, हरकत हो गया भाई फिलहाल।
मैंने ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर फ्यूल यूजिंग पीसी। ओके, उसके लिए भी फ्यूल मंगाना पड़ेगा, बहुत अच्छा बात है। लेकिन मेरे पास जितना भी चीज़ें था वो मैंने सारा साइड से नहीं लगाया है भाई, प्लीज लग जा। जो भी सामान है भेज दो भाई। क्या सामान है मेरे पास, क्या क्या सामान है? ऑल प्रोडक्ट, ऑल इज एम्प्टी। ओके नाइस, कैश रजिस्टर हैंडल कर रहा है फिलहाल के लिए। प्लीज भाई कम करके जाइयो, मैं प्रीमियम दे दूंगा तेरे को, तू नाइट पे भी काम करके जाइयो। हाउ कैन यू वर्क हियर? और अच्छी अच्छी चला गया भाई, लग गया लंका हमारा। ये लोग कंप्लेनिंग कर दिया भाई, बोल रहा है कैसे तुम काम करते हो इधर, इतना हॉरिबल स्मेल है। स्मेल का कोई नहीं है भैया, तुम्हारा दिक्कत है भाई, हालत खराब कर देगा ये लोग जब आता है भाई। देखो अब भी आना था भाई, इसका काम खत्म हो जाएगा भाई, मेरे को प्रीमियम दे के रखना पड़ेगा इसको, सुबह फिर से बुलाना पड़ेगा। भाई बहुत सारे बंदे हैं भाई, गया डिलीवरी आ चुका है फाइनली, फ्यूल भी मंगाना है भाई। मेरे को हरकत नहीं होना चाहिए था, यही हरकत नहीं होना चाहिए था भाई, हालत ख़राब होकर जाएगा। अभी रेस्टिंग में चला गया, गया भाई रेस्टिंग में चला गया, मेरा लग गया भाई, अभी मेरा अभी लग चुका है भाई। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं इन सबको साफ कर देता हूँ और सुबह तक वेट फिर से कर लेते हैं, क्योंकि बिना सुबह वेट किए मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ। मेरे को पहले तो एम्प्लॉई चाहिए भाई, मेरे को एक और एम्प्लॉई चाहिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। एक या तो दो एम्प्लॉई चाहिए चाहिए मेरे को, नहीं तो मैं फुल्ली भाई इतना ये करने के बाद भी ये। तो मिलते हैं एकदम जैसे ये सारा कांड मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद मिलते हैं गाइस, ठीक है ना। तो फाइनली गाइस जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, दोबारा से सुबह हो चुका है, मतलब नाइट जाके सुबह भी हो चुका है और टाइम भी हो चुका है वार कर कहा काम करने का। तो फिलहाल गाइस आज मैं करने वाला, देखो एयरपोर्ट का अपडेट तो हम लोग कर लिया है, लेकिन और भी सारा अपडेट है। उससे पहले मैं चाहता हूँ एक काम करना, जो कि भाई रुक जा भाई, कान मेरा ख़राब कर दे रहे हैं ये लोग, एक सेकेंड रुक जाओ गाइस। मैं एक काम करने वाला हूँ, जो डाक टेप लेके आया हूँ मैं इधर चिपका देता हूँ, क्योंकि जितना डाक टेप इधर चिपका देते हैं, ये देखो स्टैंड डाक टेप का, तो 12 डाक टेप मैंने लगा दिया है फुल्ली। एक डाक टेप इधर था तो इसको मैं इधर चिपका देता हूँ, ये हर बार डाक टेप देगा क्या पता नहीं मेरे को। और गाइस मैं इधर आने के बाद ये देख पा रहा हूँ कि कोई एक देखते ये वाला जो ट्रैफिक है ये हटता है नहीं हटता है, देखते हैं गाइस एक सेकंड रुक जाओ, ये जाने के बाद ये हटता है ये नहीं हटता है ट्रैफिक का जो जाम है, नहीं तो मेरे को रिसेट करना पड़ेगा। हाँ ओके ओके गाइस, वो रिसेट सही हो गया, वो मेरे लिए हो रहा था वो वाला। गैरेज का काम कर दो भाई जल्दी जल्दी जितना हो सके, वो काम करने के बाद ये कर देगा, मेरा कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ चला गया है दौड़ते हुए। तो मैं गाइस क्या करना चाहता हूँ फिलहाल, मैं बता देना चाहता हूँ तुम लोगों को, मैं करने वाला हूँ इसको अपडेट। यस, तो फिर हमारा गैस स्टेशन हो चुका है लेवल 4 का है भाई, लोगों को सामान नहीं मिल रहा है, क्या बोल रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी वर्कर हायर करूँगा। सबसे पहले आज मैं वर्कर हायर करने वाला हूँ और भी ज़्यादा, देखो $500 एक वर्कर भाई, मेरा हालत ख़राब होने वाला है भाई। वो वर्कर हायर करो जल्दी जल्दी भाई, हायरिंग वर्कर रिकॉर्डो नीना, किसका ये अच्छा स्टेट अच्छा, इसको भाई रिकॉर्डो भाई तो हायर कर लेते हैं इसको। और भाई मेरे पे देखो ये दो आ चुका है अभी, उनका भाई मैं एक और पैसा खर्च कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ आया है। वेयर हाउस अपडेट और ये अपडेट आया है, पैसा आज के एपिसोड में अगर बन जाता है हमें हमारे पास तो हम वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देखो
ये पे चलते हैं, आदर्श पे चलते हैं, जितना हो सकता है उतना पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैं एक हाँ तो एक और मैं ये क्या बोलते हैं उसे वॉशरूम को ओपन कर दिया हूँ जल्दी टॉयलेट को, और मेरे हिसाब से मैं एक और ये परचेस हुआ $700 जाने वाला है इसमें, इसको बाद में परचेस करते थोड़ी देर बाद। गैस स्टेशन में कुछ नहीं है, डिस्पेंसरी लगा सकते भाई, बहुत ज़्यादा महंगा है भाई, पता नहीं मेरे को, बाद में देखते हैं। ट्रैश कैन, ट्रैश बैग्स वगैरह सारा फुल हो चुका है, हमारे पास पैसा ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने अपडेट कर लिया है इतना चीज़ों का। सो ऑयल मंगाना है, दो चीज़ों का ऑयल मंगा लेते हैं जल्दी जल्दी, वर्कर्स को ये कर लेते हैं, और एक को मैं गैस स्टेशन क्लीनिंग और फ्यूल डिस्पेंसरी में लगाने वाला हूँ, मतलब दो फ्यूल ऑर्डर करना होगा मेरे को। सो इससे पहले कि मैं उसका एयरपोर्ट का फ्यूल ऑर्डर करूँ, मेरे को एयरपोर्ट से करूँगा मैं, पहले तो ये जो बंदा हमारा रेस्टिंग कर रहा है इसको सेट करता है, इसका जो आवर होगा वो भी मॉर्निंग रखता है फिलहाल। नीना हमारे पास है, उसको ले लेंगे ये के लिए, इसको वर्क ऑटो पे कर देता है। इसका जो काम होगा तू कर दे फ्यूलिंग गैस स्टेशन, तेरा काम रहेगा सेकेंडरी काम ये रहेगा कि क्लीन द स्टेशन, क्लीन द स्टेशन सेकेंडरी काम रहेगा इसका, ये आ रहा होगा अभी तक, हाँ दौड़ के दौड़ते आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ क्यों ना मैनेज में जाके इसको ओपन कर देता हूँ, और सबसे बड़ी बात मेरे को अपडेट करने के बाद शायद से गैस स्टेशन का जो फ्यूलिंग कैपेसिटी है ये बढ़ चुका होगा। हाँ गैस स्टेशन का फ्यूलिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है, नहीं भरा है भाई, क्या है भाई, ओ नहीं स्टोरेज बढ़ाने से होगा ना इसका, अपडेट में चलता हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ, अपडेट करेंगे तो फ्यूल कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो भाई कितना पैसा चाहिए गैस स्टोरेज को अपडेट करने के लिए, चेक कर लेते हैं भाई, कहाँ चला गया पैसा, अरे अपडेट कहाँ गया, ये रहा $500। कोई दिक्कत नहीं है ले लो भाई, दिक्कत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है मेरे पे, ले लो भाई पैसा तो आ ही जाएगा। अभी मेरे को ऑर्डर करना है फ्यूल 500 माँ कसम ऑर्डर करा दो। तो फिलहाल फ्यूल हमने ऑर्डर कर दिया है, ये गैस स्टेशन ओपन हो चुका है, गैस डिस्पेंसरी मैंने नहीं लगाया है क्योंकि पैसा नहीं है भाई मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन दो वर्कर्स हमारा अच्छा खासा काम कर रहा है, दो वर्कर से अभी काम चल जाएगा सुबह का, नाइट पे भी दो वर्कर लगा देंगे। फिलहाल मेरे को इसके लिए फ्यूल ऑर्डर करना पड़ेगा, देखो ऑर्डर द एक्टिव फ्यूल, सो इधर चलते हैं फ्यूल पे चलते हैं, इधर चलते हैं, ये ऑर्डर करना है मेरे को, पता है कितना लीटर का फ्यूल ऑर्डर करना है एयरपोर्ट के लिए, 100 लीटर मंगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं मंगाते ठीक है ना, तो 100 लीटर हम मंगा लेते हैं, ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करूँगा मैं फ़िलहाल के लिए, 100 लीटर मंगा लेते हैं भाई, और बाद में देखा जाएगा जितना हो सकता है। और ये दोनों का फ्यूलिंग का स्टेटस काम करेगा, ये चला जाएगा, उसके बाद मेरे को एक और परचेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फिल द टैंक विद अवेलेबल फ्यूल, फिल द टैंक डिलीवरी, ओके आने दो तो दो भाई, कैसे फिल कर देते हैं, ओके नेक्स्ट, अबे भाई तुम कहाँ से आ जाते हो भाई। सो फिलहाल मेरे पास जितना पैसा है, मेरे को एक वर्कर और नाइट के लिए हायर कर लेना चाहिए, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं है मेरे पास अभी। सो मेरे को टायर्स वगैरह चेक कर लेना चाहिए, 5 टायर्स इधर रखा है, 32 31 इधर, 15 डक्ट टेप, 13 इसको चाहिए फ्यूल डिस्पेंसरी, ये चाहिए मेरे को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा भाई, जल्दी जल्दी भेज। क्लीनिंग का स्टाफ तो है मेरे पास, फ्यूल पे कोई नहीं आ रहा है भाई, क्या बोले फ्यूल कस्टमर का, ओहो फ्यूल आके रखा है भाई, सॉरी मेरे को जाना है, मैं भूल गया था एक सेकेंड, अबे अरे ओपन कर दो, अबे ओपन हो जा भाई, मेरे पे फ्यूल कस्टमर तो लो स्टेटस दिखाएगा ना भाई, तेरा काम क्या है रिकार्डो, इधर गाड़ी आके खड़ा होकर रखा है, जल्दी जा। अब आया, अच्छा टाइम पे आया है क्योंकि फ्यूल दे, हाँ ठीक है काम कर रहा है ये लोग सही से। और मेरे पे इधर क्लीनिंग वगैरह ये चेक कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से जल्दी दो। और फिलहाल मेरा काम ये है कि मेरे को जाना है एयरपोर्ट, क्योंकि ज़्यादातर काम अभी उधर ही होगा ना, ये आ चुके हैं हम लोग, और फिलहाल जितना भी कूड़ा कचरा है इनको भाई
फेंको इधर, वेट फॉर द सिग्नल फ्रॉम जो। ओके वेट कर रहा है, तब तक के लिए बिजनेस संभालते हैं बिजनेस। और इधर जो चीजें है ये सारे आइटम्स को मेरे को कुछ नहीं करना है ना, छेड़छानी कुछ नहीं करना है। हाँ, जो जिससे साथ हम कुछ कर सकते हैं उसको ले चलते हैं और इधर जाके फेंक देता है भाई। ट्रैश कैन जितना फेंक सकते हैं फेंक देते हैं। इसको एकदम चकाचक बनाना है हमें और कुछ नहीं गाइस, जितना हो सकता है चकाचक करना है हमें। तो सारा तो चकाचक हो भी चुका है और सिग्नल के लिए वेट करने बोल रहा है। फाइनली फ्यूल भी आ चुका है और मैं जल्दी जल्दी बिजनेस में चला जाता हूँ। और भाई एनर्जी ख़त्म हो जा रहा है इसका इतना जल्दी, 20 आवर हो चुका है ऑलरेडी। कॉल फ्रॉम, अरे किसका कॉल आ रहा है भाई? ओके एयरपोर्ट, ओके एल टू द। आई विल से इट स्ट्रेट, आई नीड अ फेवर। डैम इट, गेस इट्स दैट टाइम ऑफ ईयर, बेटर हाइड किडो, आई विल कॉल यू लेटर। जस्ट वन थिंग, क्लीन अप द सैंड पाइल्स व्हेन द स्टॉर्म इज ओवर, दे माइट कॉज सम इश्यूज। बहुत बढ़िया, सैंडस्टॉर्म आना स्टार्ट हो चुका है गाइस और अभी लगेगा लंका क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल के लिए। अभी इनको हमको अंदर ही रहना पड़ेगा। और डेनिस के बच्चे भाई ब्लू कलर, ये सबसे उमदा कलर है भाई, मैं बताऊँ तुम्हें देखना। सो फाइनली गाइस सैंडस्टॉर्म जा चुका है और मेरे हिसाब से ये कहाँ कहाँ अपना फैंड छोड़ के गया है ये देखने वाली बात होने वाला है। ओके भाई लग गया है हमारा, क्योंकि बोल रहा है कि देखो जब तक ये नहीं होता है तब तक मतलब तुम लोगों को कुछ बग फिक्सेस करना पड़ेगा, अगर फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद वो लोग कंटिन्यू रेगुलर हो जाएगा तुम्हारे मतलब एयरपोर्ट में। तो मतलब और ज़्यादा क्लाइंट आने वाला है, अभी एयरपोर्ट के थ्रू आएगा जो कि होगा पायलट दूसरे देशों का। तो हमारे पास कस्टमर भरे पड़े हैं लेकिन देने वाले कोई नहीं है फिलहाल। मेरे को वर्कर हायर कर लेना चाहिए फिलहाल। कैश रजिस्टर और ये के लिए, कैश रजिस्टर और ये के लिए एक बंदा तो चाहिए फिलहाल। तो मेरे हिसाब से गाइस मैं चलता हूँ और हायरिंग ये पे चलता हूँ, एक को हायर करना चाहिए मेरे को। $500 हमने दे दिया है अपडेट करने के लिए क्योंकि चाहिए फिलहाल, चाहिए गाइस। और लास्ट है नीना, इसको बुला लेता है और इसका शिफ्ट स्टार्ट होगा, मैं बता देता हूँ इसका शिफ्ट स्टार्ट होगा नाइट पे नीना का। और अभी के लिए इसका भी शिफ्ट मैं कर सकता हूँ, नहीं नहीं इसको एकदम सुबह बोला है तो सुबह ही आएगा ये। इसका प्राइमरी काम रहेगा भाई गैरेज क्यों संभालेगा, कहाँ क्या रिपेयर कार, ओके। और हैंडल द रजिस्टर, जल्दी आ जा, जल्दी आ काम पे भाई साहब। बस कितना पैसा लेता है भाई एक सेकेंड, देखो इसमें देखो आवाली देखो, $15 लेगा इस काम के लिए। ओ इसका सेम है, हैंडल द रजिस्टर और ये $10 लेगा, ये $15 लेगा भाई साहब, $11 लेगा। इसमें इसका कम है, इसका आवाली कम है, इसका भी आवाली कम है। ठीक है ठीक है, नाइट पे दो डे पे दो अगर हो जाएगा तो। गैस स्टेशन अभी आ रहा है, जल्दी आ रहा है, रिपेयरिंग करके आ जाएगा। पैसा तो ऐसे ही कम, जैसे ही वर्कर आता रहेगा ना गाइस पैसा ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कार वॉश, रीसेट द कार वॉश सेंटर इधर दिखा रहा है और उधर क्या दिखा रहा है, बाय द कम्युनिकेशन हैंडल टावर। बहुत बढ़िया, दोनों जगह पे पैसा चाहिए फिलहाल, जो कि मेरे पास नहीं है बिल्कुल ही। मैं घटिया होकर मतलब मैं अभी कतई हालत ख़राब होकर रखा है मेरा। कार वॉश सेंटर और ये परचेस करने के लिए बोला है और मेरे को वॉशिंग वगैरह पे भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि level 7 पे जाना वाला हूँ पॉपुलरिटी रैंकिंग पे, तुम लोग देख पा रहे हो थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे गाइस। तो गाइस थोड़ा सा कवर कर लेते हैं और फिलहाल क्या बोलता हूँ मैं, आज के लिए इतना ही रहने देता है, मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ। क्योंकि हम लोग आज के इस वाले एपिसोड के अंदर
फाइनली एयरपोर्ट परचेस कर लिया है और एयरपोर्ट में जितना भी काम था वो भी परचेस कर लिया है। ऊपर से तीन तीन हमने वर्कर हायर कर लिया है जिनको सेट कर दिया है हम अच्छे से गाइस, बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया है हमने। और अभी हमारा उतना ज़्यादा काम वगैरह नहीं रहता है और हम आसपास का काम कंप्लीट कर सकता है। नाइट में एक और अगर वर्कर हायर कर लेंगे तो सोचो बिल्कुल काम ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा काम लगभग ख़त्म हो चुका है जो कि मैं बोल सकता हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ। जब तक मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम लोग कुछ नया चीज़ों के साथ मिलेंगे ज़रूर से, और शायद से पॉपुलैरिटी रैंकिंग भी हमारा बढ़ जाए तुम लोगों के साथ खेलते हुए। तो इसको मैं जितना हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैक्स स्काउट करने की कोशिश करूँगा कि कितना लेवल तक मैक्स है। शायद से 10 लेवल तक मैक्स है, पता नहीं कितना लेवल तक मैक्स है, ये पॉपुलैरिटी रैंकिंग में ये कितना जाता है। और कंप्यूटर में चलते हैं तो गाइस एक चीज़ हम परचेस कर, भाई स्टोर पूरा एम्प्टी होकर रखा है भाई, चीज़ों को सामान को ऑर्डर देना पड़ेगा। मेरे को एक चीज़ देखना है कि टूल्स में क्या क्या अनलॉक हुआ है। टूल्स में सिर्फ ये पंप अनलॉक हुआ है और ये सारा कब अनलॉक होगा भाई, पता नहीं मेरे को कब अनलॉक होगा भाई। ये सारे चीज़ें पता नहीं, एक भी टूल्स अनलॉक नहीं हुआ है, सारा ऐसा ही होकर रखा है। तो फिलहाल मैं वॉशिंग वगैरह कर देता हूँ, गैरेज में दो भाग के चला गया है। और चीज़ों को भी एम्प्टी होकर रखा है, इनको ऑर्डर दे के मेरे को लेके आना पड़ेगा क्योंकि ओ बैक साइड में खुल चुका है। बहुत बढ़िया काम किया है इन लोगों ने, बहुत अच्छी काम किया है जिससे कि मेरा फ़ायदा हो गया है। गाइस मैं बताता हूँ कैसे फ़ायदा हो गया। तो गाइस एक से जैसे ही देख पा रहे हो न्यूज़पेपर रैक इधर लगा चुका हो, ये जो आइटम है इसको मैं एक डिस्टेंस में फिट कर दूंगा। ये जो है इसको मैं क्या करता हूँ, एकदम बिल्कुल ये वाला इधर आ जाएगा क्या, आई थिंक आ जाता है, चेक कर लेते हैं, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी फिट हो चुका है और इधर हम शायद से एक ये लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया, सारा कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सारे चीज़ों को ऑर्डर करना है मेरे को धीरे धीरे करके। ये अभी हमें अबे फ्यूल अप पे भी आदमी भाई, बहुत सारा काम है भाई, बहुत सारा काम होता है इस गेम के अंदर। तो फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अनदर वीडियो पे जहाँ पर मैं इन सारे जगहों को अपग्रेड करूँगा और मैं परचेस करूँगा वो वाला चीज़ को। और ये गैस स्टेशन का लुक हम लोग चेंज करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड, या तो इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग फुल्ली इसको चेंज कर देंगे, इसका लुक फुल चेंज हो जाएगा गाइस, फुल्ली चेंज हो जाएगा। और पैसा तो बनते रहेगा क्योंकि अभी वर्कर्स हमारे पास आ चुका है, सामान को ले आओ बेचते रहो बस काम बन जाएगा। रिस्टोर करना है हमें वक्त, नेक्स्ट वाला एपिसोड बहुत मस्त होने वाला है क्योंकि हम लोग कार वॉश को फिक्स करने वाले हैं, साथ ही साथ बहुत सारा काम भी करने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट गाइस बाय। तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय बाय।